नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से अनिल भाई साहब के यहाँ से वीडियो लेके आ रहे हैं। महम इनका जो है वो कस्बा है, महम में इनका डेयरी फार्म है और जिला जो है वो रोहतक है। बारिश बिल्कुल होके हटी है, बड़ी आसमान बिल्कुल साफ और धूप निकली हुई है एकदम से। बारिश के बाद बहुत तीखी गर्मी। और बात करेंगे भाई साहब से, ये भैंसे बिकी हुई हैं, बिक्री वाली हैं, कितनी भैंस खड़ी हैं, क्या सीन है? गाड़ी भी वैसे तो बाहर लगी हुई है, ये देखिए इधर साइड में खड़ी है बड़ा ट्रक। तो राम राम अनिल भाई साहब। राम राम भाई साहब। तो आज कितनी भैंस है जी अपने पास? भाई साहब दो गाड़ी लोड है। दो गाड़ियों का? हाँ जी। अच्छा, दोनों कहाँ जा रही हैं बिक के फिर? ये जा रही है जी महाराष्ट्र में, एक जाएगी डोंड, एक जाएगी कास्टी। डोंड और कास्टी? हाँ जी। ठीक है, तो कोई बिक्री वाली भी भैंसे आज अपने पास? हाँ, बिक्री वाली है, पंचर भैंसे। ठीक है। और दो गाड़ी अभी आई है। अच्छा, दो गाड़ियाँ का लोड होना है और दो के ग्राहक आए हैं और पाँच चार बिक्री वाली भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, पाँच चार मिनट बनाएंगे। कोई दिखाओ ये जुटी कितने रुपए की है, कितने की बेची है, के बिक्री वाली है, चलो आके दिखाओ भाई। खीस से खाली हुई है। ठीक है, तीसरी बार की है। अच्छा, 12 बजे अभी दूध निकाल के लाए हैं। अच्छा, हाँ जी, तीसरी बार की है, 12 बजे दूध निकाला है। और कितने की बेची है ये? ली है जी, लाए हैं 1,05,000 की। 1,05,000 की? कितना दूध दे देगी आगे जाके? ले आ भाई, ये 1,500 लीटर बोला था मतलब 1,500-1,600 दे देगी। हाँ जी, ठीक है, ले आ भाई। ये देखो जी, 1,05,000 रुपए की जोटी है, 1,500-1,600 किलो दूध दे देगी। उसके बाद ये जोटी, ये दूध तैयार है। अच्छा, दूध तैयार है। ये कितना दूध है जी इसमें? 15 लीटर। कितने की बेची है ये? 1,10,000। 1,10,000 की बेच रखी है। ठीक है, और दूध बताया 15 किलो। ये देखो जी, 15 किलो दूध की जोटी और 1,10,000 रुपए की सेल की है। ये भी जानी है भाई अपना, ये महाराष्ट्र। ये देखिए बढ़िया छोटे सिंह की है, जोशीले अडर की है, 1,10,000 के हिसाब से बिल्कुल साफ सुथरी। दो चार पशु और दिखा देते हैं आपको, क्योंकि बड़ा वीडियो बसाती देखते नहीं है, क्योंकि एवरेज व्यू ड्यूरेशन की बात करें तो वो कम रहता है। ये भाई साहब, अच्छा कौन से ब्यात की है? ये दूसरी बार की। कितने की बेची है ये भी? 1,08,000 की। 1,08,000 की बेची है, देख लो भाई, साफ सुथरी, कल ही खीस से खाली हुई है। ये देखिए खड़ी खड़ी दिखा दो एक आधी का रेट। हाँ? ये बताना कितना दूध है इसमें? ये भी सब भैंस खीस से खाली है। अच्छा, खीस से खाली है सब? 10-10 किलो दूध तो होगा कम से कम। हाँ, तो 10-10-11 तो। ये कितने की बेची इधर वाली? ये 1,11,000। ये 1,11,000 की। ये वाली? ये 1,07,000। 1,07,000 की दे देगी 13-14 किलो दूध। ठीक है, ये देखो भाई, 1,07,000 की। और ये वाली भैंस? 1,05,000। 1,05,000 की बेची है। हाँ जी। ये वाली? ये 1,12,000। 1,12,000 की। कचरा सा भी डाल रही है ना ये वाली? ये 95,000। 95,000 की दूध? खीस से खाली है, 10-10-11 किलो दूध सभी में है। ये वाली जोटी? ये ली है जी, किस तरह की भैंस है? हाँ हाँ, ये भी खीस से खाली हुई है। हाँ हाँ, ये 1,02,000। 1,02,000 की। ठीक है, ये वाली? ये बेचनी है। बेचनी है, कितना दूध है, कितने की बेचनी ये है? ये खीस से खाली हुई। अच्छा, दे देगी 10 किलो अभी मौके पे दूध? हाँ, अभी मौके पे 10 किलो। कितने की बेचनी है ये? 1,20,000 की। 1,20,000 की। हाँ जी, ठीक है। वो इधर ले आओ दोनों भैंस खोल के, क्योंकि उधर धूप आ जाएगी फिर। ये देखो, ये ग्याबी ना शायद, या ब्याई हुई है? मेरे नजदीक आ जाओ आप, दूर ना जाओ। ये ब्याई हुई है ग्याबिन? कितना दूध दे देगी? 15 से ऊपर। कितने की बेच है? 17 पिछले साल। ठीक है, कितने की बेचनी है ये? 1,35,000 की। 1,35,000 की बेचनी है, बिक्री वाली है। वो और ले आओ बड़ी भैंस एक, ये देखो भाई, 1,35,000 की ग्याबिन भैंस, 17 किलो दूध पिछले साल का दिया हुआ है। तो अनिल भाई साहब, 17 तैयार करके तो नहीं बेचोगे जब अभी का रेट है ये? हाँ जी, ऐसा दूध आम तो ज्ञापन बिक जाता और बढ़िया जी। ठीक है, नहीं अपना खीस में बिकती दूध तो कौन क्या करता है आजकल? ठीक है, पहले ही बिक जाएगी अपने पास तो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कितनी कमाई हो जाती है एक भैंस के साथ? देखो जी, तो मौके की बात है। अच्छा, 2,000 भी हो जाए, 1,000 भी हो जाए, 5,000 भी हो जाए, ठीक है, और घाटा भी हो जाए। घाटा भी हो जाए, सही बात है। ये बड़ी भैंस, ये ब्याई हुई है? हाँ जी। ये कितने की बेचनी है? ये अभी खीस से खाली होने इसमें 12-13 लीटर। खीस से खाली होती में 12-13 लीटर दूध तैयार। बेचनी है या बिकी हुई है? ना, बेचनी है।
कितने रुपए की? 1,30,000 की बेच लीजिए। 1,30,000 रुपए की बेचनी है। देखो खाली होते 12-13 लीटर तैयार है। ठीक है, दे देगी ये तो 16-17 17-18 लीटर की उम्मीद बन के लिए 17-18 दे देगी। हाँ जी, तो ये देखो जी, और भी बैसे हैं, बिक्री वाली ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। जो भी साथी भाई जुड़ना चाहते हैं अनिल भाई से, ये देखो बड़े बड़े अक्षरों में नंबर भी लिख रखे हैं। एक नंबर और भी मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और पशुधन खरीद सकते हैं। लगातार बिक्री भाई साहब के यहाँ से महाराष्ट्र जो है चालू है। एक बड़ा सा वीडियो 20-25 मिनट का लाइव वीडियो भी आ चुका है। अगर एक एक भैंस प्रॉपर आप देखना चाहते हैं तो वो वीडियो भी जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। नमस्कार। अभी देखिए बात करते हैं जो साथी भैंस लेने के लिए आए हुए अनिल भाई साहब, किधर किधर से आए हैं भाई? ये महाराष्ट्र से आए हैं दोनों भाई। हाँ। दो गाड़ियों के जानी है। हाँ जी। तो मैं पूछता हूँ भाई साहब, आपका नाम क्या है? अपना सुरेंद्र यादव। और आपका भाई साहब? सुभाष यादव। कहाँ से हो? महाराष्ट्र श्रीरामपुर से। श्रीरामपुर से दोनों भाई उधर से ही हो। कितनी भैंस लेके जाओगे? 10। पहली बार आए हो? इससे पहले भी आ चुके हो? नहीं, इससे पहले भी आ चुके हैं। अच्छा, कितनी गाड़ी लेके जा चुके? कम से कम 15-20 गाड़ी लेके। अच्छा, बिक्री का काम है उधर? नहीं। अच्छा, घर ही दूध बेचते हो? ठीक है, तो भाई फिर तो कहने की जरूरत नहीं है, कैसा व्यवहार है भाई का? अच्छा ही होगा, क्योंकि 15 गाड़ी। गाड़ी तो ये ले गया, इसका पिताजी कितनी गाड़ी ले वो मालूम है नहीं। अच्छा, इसका पिताजी भी लेकर जा कर था। गिनती भूल गए? और 1,000 बता दो। हाँ, एक बताओ क्या है। 25 साल हो गए। अच्छा, कितनी याद रखी बताओ? 25 साल से गाड़ियाँ जा ही रही है। हाँ। साल की 5-7 गाड़ी जरूर चली जाती होंगे। तीन पीढ़ी के आदमी आ रहे हैं। अच्छा, श्रीरामपुर से? ठीक है। दादाजी आ करता? ठीक है। फिर पिताजी? ठीक है। फिर पोते हो गए? ठीक है। तीन पीढ़ी सारी। आपके भी बच्चे अभी आने लग जाएंगे आगे 5-4 साल में। ठीक है, ठीक है। तो आपका क्या नाम है सर? रघुनाथ सकरम कुरुमकर। आप किधर से हो? महाराष्ट्र से। कौन सा जिले से? श्रीगोंदा। श्रीगोंदा से? जिला नगर है, तालुका श्रीगोंदा है। अच्छा, आपका नाम भाई साहब? हम राज बहादुर यादव। राज बहादुर। आप से? श्रीरामपुर से। ठीक है, श्रीरामपुर से। आपका भाई साहब? सुनील ग्रंथकर, महाराष्ट्र से। कौन सा जिला बताया? श्रीगोंदा। श्रीगोंदा। तो आप तीनों भाई एक साथ आए हुए हैं? नहीं, अलग। अच्छा, ये उनके साथ हैं? ठीक है, ठीक है। आप दोनों, तो आप कितनी भैंस लेके जाओगे जी? आप बता। 11। पहले भी लेके गए हो? पहले 4 गाड़ी लेके गए, तो 2 महीने में आई। अच्छा, इसी 2 महीने में। तो पहले वाली ठीक दे रही है दूध भैंस उधर? ठीक है। कितनी? 12 किलो की एवरेज है, 10 किलो की है? 12 की प्लस निकलती है सर, 12 से ऊपर निकलती है। ठीक है। कितने लाख की गाड़ी पहुंची थी पीछे वाली? 12,61,000 में इधर खरीदी हुई थी 2 महीने में। अच्छा, 2 महीने पहले जब तेज था? तेजी में। ठीक, अभी तो रेट मेरे ख्याल से 12,61 वाली अभी 10 के आसपास आएगी। क्यों? अभी दो गाड़ी तो 11 के आसपास आनी चाहिए। हाँ, 11 दूनी 22, 22 की आनी चाहिए। 11 लाख तक होनी चाहिए एक गाड़ी। हाँ, एक हो जाएगी, 100% हो जाएगी। चलो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों का।